ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सिंह राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 12 अगस्त से 18 अगस्त यानी कि 7 दिनों में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। या दोस्तों, इन 7 दिनों में अचानक चमकेगी आपकी किस्मत, अब भाग्य का असली खेल शुरू होगा। या दोस्तों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए 12 अगस्त से 18 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहे हैं वे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होने वाले हैं। या दोस्तों, इन 7 दिनों का समय मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। या दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियां, बड़े बड़े लाभ, धन लाभ और बड़े बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, भी बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से 12 अगस्त से 18 अगस्त यानी कि 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, यह समय आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ समय व्यतीत करने से मन बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। समय की गति आपके पक्ष में रहेगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करने के लिए भी समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय मेहमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा। आपका बजट भी बिगड़ सकता है, परंतु फिर भी पारिवारिक खुशी के आगे यह नगण्य नहीं रहेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी योजनाओं के प्रति काफी गंभीर रहेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारोह में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा, तथा सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी। संतान संबंधी कार्य जैसे विवाह, नौकरी आदि कार्यों की योजनाएं भी इस समय सफल होंगी। मेहमानों की आवाजाही भी इस समय रह सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय ऊर्जा, जोश और उमंग से आप परिपूर्ण रहेंगे। बच्चों के साथ धैर्य रखते हुए आप व्यवहार करें, जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे। कई प्रकार के खर्चों का भी यह समय है, परंतु आप मैनेज कर लेंगे। अपनों के साथ मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। कहीं से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। कार्य कुशलता के दम पर आप वह उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। दोस्तों, साथ ही साथ ध्यान रखें कि इन सब क्रियाकलापों के बीच आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य भी छूट सकता है, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। सभी गतिविधियों में ध्यान केंद्रित रखना आपके लिए अति आवश्यक है। आर्थिक कशमकश भी रह सकती है। कहीं भी धन संबंधी निवेश सोच समझकर ही आपको करना है, क्योंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। विद्यार्थियों को अपने प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं रिक्तता का एहसास होगा, और अगर मनन करेंगे तो इसकी वजह कुछ भी नहीं रहेगी। अपनी भावनाओं पर विरोध व नियंत्रण रखें, क्योंकि इसके प्रभाव से कुछ संबंध भी खराब हो सकते हैं, परंतु जल्द ही परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। फिजूल खर्ची से बचें तथा
घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवश्यक है। कोर्ट केस संबंधित मामलों में कुछ अड़चने भी आ सकती हैं। रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करते समय आप सावधानी बरतें। आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे संबंध खराब होने की भी आशंका है, इसलिए आपको अपने गुस्से व आवेश पर जरूर नियंत्रण करना चाहिए। किसी पर अत्यधिक भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने निर्णय ही सर्वोच्च रखें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल व सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझना अति आवश्यक है। पति पत्नी के बीच कुछ इस समय नोकझोंक भी संभव है। प्रसंग बदनामी व अपयश का कारण बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। साथ ही साथ कामकाज में चल रही शिथिलता का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर आप ना पड़ने दें। जीवन साथी तथा बच्चों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। संतान की शिक्षा व करियर संबंधी गतिविधियों में आप सहयोग दे पाएंगे। घर परिवार में आपसी सौहार्द तथा प्रेम बना रहेगा। विपरीत परिस्थितियों के कारण प्रेम संबंधों के उजागर होने की भी इस समय संभावना है। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत ही मिला जुला साबित होने वाला है। दोस्तों, बात अगर आपके व्यवसाय और करियर की करें तो यह समय नौकरी शिक्षा और कारोबार में ज्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता है। कार्य विस्तार संबंधी किसी भी योजना को कार्य रूप में परिणित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श आप अवश्य करें। नौकरी पेशा व्यक्ति भी किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। कामकाज को आप पूरी गंभीरता व संजीदगी से लेंगे। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं आपके ट्रेड सीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहे। पार्टनरशिप संबंधी व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखें, किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय कार्य क्षेत्र में क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता आप ना करें। कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बॉस व अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे। पदोन्नति की भी संभावना है। नौकरी में मनोवांछित उपलब्धि मिलने के इस समय आसार हैं, जिससे आपको खुशी का बहुत अनुभव होगा। साथ ही साथ मशीनरी नई तकनीकी आदि का प्रयोग सफल रहेगा। लंबित चल रहे कोर्ट केस संबंधी मामलों के पूरा होने का समय आ गया है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी उलझन में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों से व्यवसायिक संबंध स्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें। किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है। नौकरी में सहकर्मी आपके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें। दोस्तों, बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना आवश्यक है। अपनी दिनचर्या एकदम सुव्यवस्थित रखें। घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें। दोस्तों, साथ ही साथ यह समय स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। यूं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रति सचेत रहने की आपको अति आवश्यकता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्राणायाम का सहारा लेना होगा। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा।